एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आपको हमने डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी बताना शुरू किया था और इसमें मोटिवेशनल डायमेंशन बताना आरंभ किया था। और इसमें हमने आपको एग्रेशन मोटिव डायमेंशन बताया और एफिलिएशन मोटिव मोटिव डायमेंशन बताया, संबंधन अभिप्रेरक विमा और आक्रामक अभिप्रेरक विमा के बारे में बताया। हम आज आपको इसी अभिप्रेरणात्मक विमा की तीसरी विमा में चलते हैं और उसमें आपको अचीवमेंट मोटिव डायमेंशन के बारे में बताते हैं। यह जो डायमेंशन है, जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि प्रत्येक विमा का अर्थ यह है कि शून्य से लेकर कम से लेकर माइनस से लेकर प्लस, तो एक कॉन्टिन्यूम के जो बात कर रहे हैं हम, तो इस प्रकार का जो डायमेंशन है उसके एक कॉन्टिन्यूम पे सफलता प्राप्ति की प्रवृत्ति है और यह धनात्मक विमा है, और दूसरा जो छोर है वह विफलता परिहार की प्रवृत्ति है, यह ऋणात्मक विमा है। एटकिंसन और फेदर ने इस अभिप्रेरणा के संबंध में बहुत अध्ययन किया है और इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि जो अचीवमेंट मोटिव है, उपलब्धि अभिप्रेरक, व्यक्ति की अपेक्षाकृत रूप से एक प्रकार की स्थायी प्रवृत्ति है जो उपलब्धि या सफलता को प्राप्त करने के संबंध में होती है। अध्ययन में ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें उपलब्धि अभिप्रेरणा की अधिकता होती है, वह जो व्यक्ति होते हैं वह ऐसे कार्यों को करना पसंद करते हैं जिसमें उनकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, दूसरे उनकी बहुत तारीफ करें, ऐसे ही कार्यों को वह करना चाहते हैं। मरे ने 20 आवश्यकताओं की जो सूची दी थी उस सूची में इस अभिप्रेरणा को एक आवश्यकता के रूप में ही माना था, किंतु 1950 के बाद इस प्रकार की अभिप्रेरक पर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन हुए और साथ ही साथ इस अभिप्रेरणा को बहुत ही अधिक बल और महत्व मिला। इस संबंध में मैकलीलैंड और एटकिंसन का जो योगदान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का है। इस संबंध में इन लोगों ने ये बताया, इस अभिप्रेरक के कारण जो व्यक्ति है वह लेवल ऑफ एक्सीलेंसी या श्रेष्ठता स्तर के लिए प्रयास करता है। इसमें कुछ चुने हुए क्षेत्रों में वह ऐसा प्रयास करता है जिसमें कि वह सफल हो, और ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहता है जिसमें कि उसे सर्वोच्च प्रथम स्थान प्राप्त हो। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक पाई जाती है, वह अपनी लाइफ को और आगे उन्नतशील करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होता है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, वह जब इनको असफलता मिलती है तो इसके लिए वह स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं और यह अपनी सफलता के लिए प्रसन्न भी होते हैं और इसके लिए गर्व भी करते हैं। मरे ने TAT चित्रों की सहायता से इस अभिप्रेरक को मापने के लिए बताया था। मैकलीलैंड ने भी इस अभिप्रेरक को TAT की सहायता से मापा है और इसके लिए एक मात्रात्मक प्रविधि का विकास किया है। और इन्होंने इस अभिप्रेरणा के मापन के लिए कुछ ऐसी वाचिक सूचियां भी तैयार की गई हैं। इस प्रकार की जो सूची है, वाचिक सूचियां, वह मुखर्जी 1965 के द्वारा भी तैयार की गई हैं। एटकिंसन ने अपने अध्ययन में पाया कि इस अभिप्रेरक की अधिकता जिन व्यक्तियों में होती है वह
ऐसे कार्य करती हैं जिसमें कि उन्हें जो कार्य करने का अवसर मिले वह अपनी हम उम्र मित्रों के साथ मिलने के बजाय बल्कि उस क्षेत्र के एक्सपर्ट के साथ अगर कार्य करने का अवसर मिले तो यह ऐसे व्यक्ति जिनमें अचीवमेंट मोटिव होता है वह इसके लिए अधिक प्रेरित होते हैं, अधिक पसंद करते हैं। इस संबंध में और भी जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर ये पाया गया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को इसका उत्तरदायित्व दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों को करना पसंद करते हैं। इस संबंध में प्रयोगात्मक अध्ययन ये बताते हैं कि व्यक्ति जो है वह यथार्थवादी, व्यावसायिक आकांक्षा आदि का प्रदर्शन अधिक करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति माने वास्तविक जीवन परिस्थितियों का सामना करने वाले होते हैं और इन व्यक्तियों में जब सफलता प्राप्ति की प्रवृत्ति अधिक यानी उपलब्धि प्रेरणा की अधिकता होती है तो ऐसे व्यक्तियों में विफलता परिहार की टेंडेंसी पाई जाती है। इस संबंध में एटकिंसन और फेदर ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन में पाया कि जिन व्यक्तियों में उपलब्धि अभिप्रेरणा की अधिकता होती है उनमें दो प्रवृत्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं, एक तो सफलता प्राप्ति की और दूसरी विफलता से बचने की। और इसके अतिरिक्त भी अध्ययन ये बताते हैं कि इसमें परिस्थिति परक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका होते निभाते हैं। इन परिस्थिति परक कार्यों में ये भी देखा गया है, कारकों में ये देखा गया है कि दो फैक्टर मुख्य स्थान रखते हैं। एक तो जो कार्य दिया जा रहा है और दूसरा जो कार्य दिया जा रहा है उसकी इंसेंटिव वैल्यू क्या है, उसका प्रोत्साहन मूल्य क्या है। और इसके परिणाम से ही और इसी के फलस्वरूप यह तय किया जा सकता है कि व्यक्ति कितना लाभ, कितना तारीफ, कितनी प्रशंसा प्राप्त करेगा। और इसी आधार पर एटकिंसन और फेदर ने एक फॉर्मूले को डेवलप किया जो कि TS=MS×PS×IS। यहाँ MS का अर्थ है सफलता प्राप्ति से संबंधित मोटिव, PS का अर्थ है सफलता प्राप्ति की संभावना और IS का अर्थ है उसका इंसेंटिव या प्रोत्साहन मूल्य। और TS जो है वह सफलता प्राप्ति की टेंडेंसी है। और इस समीकरण के द्वारा इस प्रकार की जो उपलब्धि अभिप्रेरक हैं उसके बारे में एक प्रकार के संबंध या समीकरण के द्वारा इसकी प्रवृत्ति या कारण के संबंध को बताया जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा में जो व्यक्ति जो उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले हैं उनमें विफलता परिहार की प्रवृत्ति भी होती है। और इस संबंध में भी इन लोगों ने एक समीकरण डेवलप किया। अध्ययन इस बात में को स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति में जो विफलता के परिहार की टेंडेंसी होती है उसमें उससे संबंधित जो चिंता होती है, लज्जा भी हो सकती है, संकोच भी हो सकती है और यह कितनी होगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको सफलता मिलने की क्या चांसेस हैं और विफलता मिलने की क्या चांसेस हैं। इस संबंध में अनेक अध्ययन किए गए हैं और ये पाया गया है जिनमें TS अधिक मात्रा में होता है उनमें TF यानी टेंडेंसी ऑफ फेलियर या विफलता की जो प्रवृत्ति होती है वह कम, मतलब जिनमें उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होगी उनमें परिहार वाली या फेलियर की टेंडेंसी कम होगी।
ऐसी स्थिति में किए गए अध्ययन ये बताते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी उपलब्धि, अपनी योग्यता इन सब के आधार पर डिसाइड करता है, और जिन व्यक्तियों में उपलब्धि अभिप्रेरणा की अधिकता होती है वह औसत क्रियाओं से अधिक स्तर, ऊंचे स्तर की क्रियाएं करते हैं, और इनमें जोखिम उठाने में भी यह पीछे नहीं होते हैं। अब हम आपको इसी मोटिवेशनल डायमेंशन में अप्रूवल मोटिव डायमेंशन बता रहे हैं, अनुमोदन अभिप्रेरक विमा। अनुमोदन अभिप्रेरक विमा व्यवहार की ऐसी विमा है जिसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से विशेष रूप से यह मानना यह चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसके किए गए कार्यों को स्वीकृत करें, प्रशंसा करें। अनुमोदन चाहता है, दूसरों की तारीफ, स्वीकृति, प्रशंसा चाहता है। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं यह व्यवहार को महत्वपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, और व्यक्ति जो है वह यह अनुभव करता है कि वह ऐसा कार्य न करे जो कि नैतिक दृष्टि से अवांछनीय हो और जो दूसरों के द्वारा स्वीकृत न हो। व्यक्ति ऐसा कार्य करना चाहता है जो सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अच्छा भी माना जाए और दूसरे इसको स्वीकृत भी करें, अनुमोदित भी करें। जिन व्यक्तियों में यह अभिप्रेरणा अधिक होती है वह केवल ऐसे कार्यों को ही करते हैं जो कि समाज के द्वारा मान्य है, और ऐसे कार्य जो निषिद्ध हैं, मना हैं, उनको यह व्यक्ति नहीं करना चाहते हैं। मार्लो और क्राउनी ने इस संबंध में अध्ययन किया है और इसके लिए एक स्केल भी, मापनी भी डेवलप की, और इस मापनी से इन्होंने एक निश्चित अंक रेंज भी निर्धारित की और यह बताया कि जो अधिक प्राप्तांक है वह अनुमोदन का सूचक है। मार्लो तथा उनके सहयोगियों ने 1962 में अपने अध्ययन में पाया कि ऐसे प्रयोज्य जिनमें कि यह अनुमोदन अभिप्रेरणा अधिक मात्रा में होती है उनमें सुझाव ग्रहणशीलता अधिक मात्रा में होती है। अनुमोदन अभिप्रेरणा की अधिकता वाले व्यक्तियों में यह भी पाया गया है कि यह अभिप्रेरणा जिन व्यक्तियों में अधिक होती है उनमें प्रत्यक्षात्मक सुरक्षा भी अधिक पाई जाती है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समूह के नियमों, आदर्शों को मानने वाले होते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। अपने आत्मसम्मान के निम्न स्तर को ऊंचा उठाने की इच्छा में ऐसे व्यक्ति में, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनका आत्मसम्मान कहीं से दब रहा है, हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को अधिक करने के लिए यह समूह की इच्छा के लिए समूह की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अध्ययन में ये जो जॉनसन ने अध्ययन किया उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार की अनुमोदन अभिप्रेरणा की जिनमें प्रबलता होती है, विमा होती है, ये विमा की प्रबलता ऐसे प्रयोज्यों में अधिक होती है तो वह किसी भी क्रिया का प्रत्यक्षीकरण जल्दी करते हैं और ऐसी प्रबलता स्वरूप क्रिया करते हैं कि वह क्रिया जो होती है उसमें सुझाव ग्रहणशीलता अधिक होती है और उसमें वो व्यक्तिगत जो निर्णय के बजाय सामूहिक निर्णय को महत्व देते हैं।
पावर मोटिव डायमेंशन, शक्ति अभिप्रेरक बीमा। शक्ति अभिप्रेरक बीमा व्यक्तित्व की ऐसी बीमा है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार की बीमा की प्रबलता होने पर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभुत्व जमाता है। और इस संबंध में जो अब अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो शक्ति अभिप्रेरणा है वह एक स्थिर प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति दूसरों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव जमाता है। इस संबंध में ये विंटर 1973 ने भी कहा है कि यह ऐसी योग्यता या क्षमता है जिसमें व्यक्ति जो है चेतन या अचेतन रूप से दूसरे व्यक्तियों पर व्यवहार या उनके संवेगों को प्रभावित करना चाहता है। इस प्रकार से इस जो शक्ति अभिप्रेरणा है इसके कारण व्यक्ति स्वयं को कमजोर नहीं प्रदर्शित करना चाहता है, दूसरों को अधिक प्रभावित करना चाहता है और नियंत्रित करना चाहता है। वह अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा दूसरों से ऊंचा प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की जो अभिप्रेरक विमा है, इस प्रकार की डायमेंशन जो है उसकी प्रबलता जब व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति जो है ऐसे लक्ष्यों से संतुष्ट होता है जिसमें कि दूसरे जो हैं उसके अंडर में हो, जो उसके दूसरे जो हैं उसके निर्णय को स्वीकार करें। और यह जो प्रवृत्ति इस संबंध में जो अध्ययन हुआ है शक्ति अभिप्रेरणा से संबंधित, यह पाया गया है कि यह लगभग सभी में पाई जाती है। फर्क इसकी मात्रा का होता है। कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति अधिक होती है और कुछ में यह प्रवृत्ति कम होती है। तो ऐसी स्थिति में विशेष प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों को अपने अंडर या नियंत्रण में रखकर संतुष्टि का अनुभव करता है। यहाँ तक कि इस अभिप्रेरणा की अधिकता जिन व्यक्तियों में होती है जब वह दूसरों से अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करा लेते हैं, तब इन व्यक्तियों को सुख या संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई बार इनके ऐसा प्रदर्शन ये करते हैं कि जैसे दूसरों के भाग्य का निर्धारण भी इनके द्वारा हो रहा है और अपनी इस प्रवृत्ति से यह संतुष्ट भी होते हैं। इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा यानी शक्ति अभिप्रेरणा की जिनमें अधिकता होती है वह प्रभुत्व जमाकर तर्क के द्वारा या किसी भी प्रकार से यह दूसरों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा है इसका भी मापन TAT की सहायता से किया जा सकता है। इस संबंध में वेरोफ ने अध्ययन किए और बताया कि जिन व्यक्तियों में यह अभिप्रेरणा अधिक होती है और जितनी अधिक होगी उनका अराउसल लेवल उदोलन स्तर भी अधिक होता है। इस प्रवृत्ति की अधिकता जिन व्यक्तियों में होती है वह सामाजिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं या कम महत्व देते हैं। इस संबंध में यह भी पाया गया है अध्ययनों में कि इस अभिप्रेरणा की जिनमें अधिकता होती है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह दूसरे व्यक्तियों का नेतृत्व करने में संतोष का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसे तर्क और दलील देने वाले होते हैं कि जैसे वह काफ़ी इस तरह का कार्य करते हैं कि ऐसे तर्क ऐसे दलील देते हैं कि वह उस क्रिया को कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
जिस समाज में यह प्रवृत्ति या लोगों में जितनी अधिक यह प्रवृत्ति अधिक होती है वहाँ उन्नति की संभावना अधिक होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अथवा समूह के लोगों में अगर यह प्रवृत्ति अधिक मात्रा में है तो वह रचनात्मक कार्य ही करेंगे। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि कई बार व्यक्ति इस प्रकार की अभिप्रेरणा के कारण विध्वंसात्मक कार्य या क्रियाएं भी करता है। एडलर का यह कहना है कि परिवार में बालक जब अपने आप को शक्तिहीन अनुभव करता है तब वह इन दो विमाओं के प्रति उस बालक की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसमें अंतर्नोद उत्पन्न होता है, यानी जब वह रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के कारण उसमें शक्ति का अभिप्रेरणा का या अंतर्नोद उत्पन्न होना माना जाता है। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं वह अनेक प्रकार के उद्योगों, कार्यालयों, पदाधिकारियों आदि पर करके ये देखा गया है कि यह जो अभिप्रेरणा होती है उच्च स्तरीय पदाधिकारियों में अधिक होती है और जो निम्न पदों पर कार्यरत श्रमिक होते हैं उनमें भी होती है, और इस आधार पर इनमें एक लीडरशिप की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा की प्रबलता का कारण यह है कि इन अत्यधिक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होना। अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि ऐसे लोग जिनके परिवारों में किसी प्रकार की विकृति भी होती है उनमें भी, या ऐसे परिवार जो गलत तरीकों पर चल रहे होते हैं उनमें इस तरह की शक्ति अभिप्रेरणा की अधिकता की संभावना देखी जाती है। इस संबंध में कुछ और विशेषताएं इस प्रकार हैं कि जो शक्ति अभिप्रेरणा की प्रबलता वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वह विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत रुचि लेते हैं, भाग लेते हैं, और उनकी जो सारी टेंडेंसी होती है वह विरोधी को हराने की होती है। इस प्रकार की जिनमें प्रबलता होती है अभिप्रेरणा की, ऐसे व्यक्तियों में आक्रामकतापूर्ण व्यवहार और आवेगपूर्ण व्यवहार दिखाई देते हैं। इस तरह की जो अभिप्रेरणा की विमा है उस पर यह भी देखा गया है कि जिनमें शक्ति अभिप्रेरणा अधिक होती है उस प्रकार के व्यक्ति जो हैं ऐसे पदों को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि वह दूसरों पर अपना नियंत्रण कर सकें, प्रभुत्व जमा सकें। इस प्रकार की प्रबलता वाले जो व्यक्ति होते हैं वह ऐसा दिखाना पसंद करते हैं कि जो अन्य व्यक्ति हैं माने दूसरे लोगों को वह अपने शक्तिशाली होने का, चाहे धन से चाहे ताकत से, यह प्रदर्शन करना यह पसंद करते हैं। जिन व्यक्तियों में भी शक्ति अभिप्रेरणा की प्रबलता होती है वह व्यक्ति ऐसी नौकरियों में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर कि उनके अधीन कार्य करने वाले अधिक लोग हो, यानी वह दूसरों की अधीनता में कार्य करने के बजाय अपने अंडर में काम करवाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शक्ति अभिप्रेरणा की जो प्रबलता वाले व्यक्ति होते हैं और जो लोग कम शक्तिशाली या कम लोकप्रिय होते हैं उनको पसंद करते हैं। इसलिए इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो लोग कम शक्तिशाली होंगे, कम लोकप्रिय होंगे, उनको यह आसानी से अपने अधीन कर सकेंगे। यह जो अभिप्रेरणा है यह सामाजिक, विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर, परिपक्वता, ये इन सब से प्रभावित होती है। अब हम आपको आज विमाओं के क्षेत्र में
जो दूसरा विमा है शील गुण विमा, अभी तक जितनी विशेषताएं बताई गई सभी अभिप्रेरणात्मक विमा पर थी। अब हम आपको शील गुण विमा की ओर ले चलते हैं और आपको बता रहे हैं कि शील गुण विमा जो ट्रेड डायमेंशन है, इस संबंध में जो महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं वह कैटल, आलपोर्ट, आइसेंग, मैग्रे, कोस्टा आदि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं। शील गुण विमा एक ऐसी श्रेणी मापनी है जिसकी सहायता से जो शील गुण परिभाषित हैं उनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख आयाम या प्रमुख विमाएं जो हैं उनमें सबसे पहले हम आपको अंतर्मुखता बहिर्मुखता विमा के बारे में बता रहे हैं। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस संबंध में आपने युंग का वर्गीकरण पढ़ा, आइसेंग का पढ़ा, थोड़ा सा इस बारे में बता रहे हैं आपको कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विमा है और जिसको मापने के लिए अनेक प्रकार की मापनियाँ और अनुसूचियाँ परीक्षण बनाए गए हैं। इस संबंध में आपको ईपीक्यू का आपने प्रयोग किया है, आइसेंग पर्सनालिटी क्वेश्चनायर का, और इस संबंध में जो MPI है उसके बारे में आपने जाना था, तो MPI को ही बाद में EPI के नाम से बताया गया। अंतर्मुखता के क्षेत्र में किए गए अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो कि अंतर्मुखी होते हैं, वह व्यक्ति जो होते हैं एकांत प्रिय, संकोची, कल्पनाशील, आदर्शवादी, शांत, अंतर्दर्शन करने वाले, लज्जाशील, पीछे हटने वाले और आवेगी निर्णयों में विश्वास न करने वाले होते हैं। इन व्यक्तियों को जीवन का एक अनुशासित तरीका पसंद होता है और जब व्यक्ति में इस प्रकार की टेंडेंसी यानी अंतर्मुखता की प्रबलता होती है तब यह व्यक्ति अपने आप को सामाजिक कार्यों से दूर रखना पसंद करता है, माने सामाजिक कार्यों यानी कार्यक्रमों से दूर रखना पसंद करता है और यह व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित रहना अधिक पसंद करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है हमेशा कुछ न कुछ चिंतन मनन करने वाला और कल्पना में ज़्यादा समय व्यतीत करने वाला होता है। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वह डे ड्रीमिंग भी करते हैं, दीवा स्वप्न देखना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति में चिंता भी अधिक पाई जाती है और यह सिद्धांतवादी प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं यह कार्य करने की अपेक्षा विचार करना अधिक पसंद करते हैं और इन्हें किसी भी समस्या पर निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगता है और ये ज़्यादा समय योजनाएं बनाने में अधिक व्यतीत करते हैं और दूसरों को अपने विचारों से अधिक प्रभावित करते हैं। परवीन 1984 ने भी इस संबंध में कुछ निष्कर्ष दिया है। इनका ये कहना है कि जो अंतर्मुखी लोग हैं उनका बहिर्मुखी लोगों की अपेक्षा विद्यालयी जीवन में परफॉर्मेंस अच्छा होता है और जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वह जो छुट्टियां होती हैं वह एकांत में रहकर ही बिताना पसंद करते हैं और जबकि बहिर्मुखी बच्चे जो होते हैं वह दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं। परवीन ने यह भी बताया कि जो अंतर्मुखी लोग होते हैं उनमें कुछ नए अनोखे या अनूठे की इच्छा अधिक नहीं होती है, जबकि जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनमें अधिकांशतः नएपन की इच्छा होती है। जो अंतर्मुखी प्रकार के लोग होते हैं
उन्हें जो हास्य का स्तर है वह भी बौद्धिक हास्य पसंद होता है, जबकि बहिर्मुखी लोग आक्रामक प्रकार का हास्य भी कर सकते हैं। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी लोग जो होते हैं वह बहिर्मुखी लोगों की अपेक्षा सुझाव कम ग्रहणशील करते हैं, सुझाव कम ग्रहण करते हैं। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वह ऐसा वातावरण पसंद करते हैं जो शांत हो, कम सामाजिक हो, जहां शोरगुल अधिक न हो। इस संबंध में आइसेंक ने लिखा है, आइसेंक 1953 ने, कि जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं वह सामाजिक होते हैं, पार्टियां पसंद करते हैं, पार्टी में उनके बहुत से मित्र होते हैं और इनके लिए यह माहौल बहुत ही उद्दीपन युक्त होता है। ये प्रोत्साहित रहते हैं, क्रिया करते हैं और ये इनमें एक व्यग्रता होती है ऐसे स्थानों की। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वह उनमें संकोच जो होता है वह नहीं होता है। यह व्यक्ति अधिक बोलने वाले यथार्थवादी प्रकार के होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है और क्योंकि इनका दायरा बड़ा होता है ये सामाजिक गतिविधियों को करने वाले होते हैं और सामाजिक कार्यों, पार्टियों आदि को पसंद करते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं बहुत जल्दी ही लोगों से घुल मिल भी जाते हैं और दूसरों से मिलना जुलना इन्हें बहुत ही अधिक पसंद होता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक बात करने वाले या बातूनी प्रकार के होते हैं और यह बहुत परिवर्तनशील भी होते हैं। ये भविष्य के प्रति काफ़ी आशावान होते हैं और इनको अगर प्रोत्साहित कर दिया जाए तो यह तुरंत क्रिया करने के लिए भी तैयार होते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के साथ मिलकर दूसरों की भी समस्या का समाधान करते रहते हैं, इसलिए इनका व्यवहार समाज में लोकप्रिय भी होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने प्रति और अपने परिचितों के प्रति काफ़ी अवेयर होते हैं और साथ में रहना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ में इन्हें आनंद आता है। ऐसे व्यक्ति किसी परेशानी में काफ़ी चहलकदमी करने वाले होते हैं, माने शांत होकर बैठने वाले नहीं होते हैं। इस बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं इनमें भावुकता और संवेगात्मकता दोनों ही जो है वह पाया जाता है, लेकिन ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है। आइसिंक ने इस संबंध में कहा है कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो है इसमें जो है डिफरेंस जो है उसका जो सीधा संबंध जो है न्यूरोफिजियोलॉजिकल फंक्शन पर भी दिखाई देता है। इस प्रकार जो देखा गया है, अध्ययन में पाया गया है, जो अंतर्मुखी व्यक्ति हैं उनको सरलता से उद्दीप्त किया जा सकता है और ये ऐसे व्यक्तियों को अगर हम किसी सामाजिक निषेध या ऐसी बातों के बारे में बताते हैं तो ये उस संबंध को पालन भी करते हैं, यानी क्या समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है इसको ये बहुत जल्दी सरलता से आसानी से सीख लेते हैं और उसको पालन भी करते हैं। जबकि जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं वह सरलता से उद्दीप्त या आसानी से उद्दीप्त नहीं होते हैं,
और ये जल्दी सामाजिक निषेधों को भी नहीं सीखते हैं। इसके कारण जो अंतर्मुखी व्यक्ति हैं वह बहुत अधिक प्रतिबंधित प्रकार के होते हैं, और अंतर्मुखी व्यक्ति जो है ये दंड से, पनिशमेंट से बहुत जल्दी घबराते हैं, प्रभावित होते हैं, और लर्निंग आदि के समय ये देखा गया है कि जो अंतर्मुखी हैं वो दंड से जल्दी प्रभावित होते हैं, जो जबकि बहिर्मुखी जो होते हैं वह पुरस्कार से अधिक प्रभावित होते हैं। व्यक्तित्व के इस आयाम में, यानी अंतर्मुखते बहिर्मुखता आयाम जो है, इसमें जो भिन्नता पाई जाती है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी आयाम में जो भिन्नता पाई जाती है उसमें ये पाया गया है कि इसमें वंशानुक्रम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन इस संबंध में जो भी अध्ययन हुए हैं उससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, जैसे विल्सन 1978 ने अपने अध्ययन में पाया कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों की अपेक्षा दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहिर्मुखी वाले व्यक्तियों की अपेक्षा शीघ्र थकने वाले और बोर होने वाले होते हैं। यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि उद्दीपन की स्थिति में अंतर्मुखी लोगों का निष्पादन कम हो जाता है और बहिर्मुखी लोगों का बढ़ जाता है। और अब हम आपको मनस्ताप या स्थिरता अस्थिरता बीमा के बारे में बता रहे हैं। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी डायमेंशन, यह न्यूरोटिज्म डायमेंशन के नाम से भी जानी जाती है। मनस्ताप एक बाइपोलर बीमा है, और इसके एक छोर पर स्थिरता का गुण पाया जाता है और दूसरे छोर पर अस्थिरता का गुण पाया जाता है। इस तरह की जो डायमेंशन है इसमें ये देखा गया है कि जिस छोर पर स्थिरता का गुण पाया जाता है वह सामान्यता का या सहजता का प्रतीक है, और स्थिरता की प्रबलता जिन व्यक्तियों में होती है वह विषम परिस्थितियों में भी अपने को नियंत्रित रखते हैं और दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान विश्वसनीय और वास्तविक तरीके से करते हैं। जिन व्यक्तियों के व्यक्तित्व में स्थिरता पाई जाती है उनमें संवेगात्मकता की जो अभिव्यक्ति होती है वह उपयुक्त होती है, और इनका वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण संपर्क पाया जाता है। ऐसे जो स्थिरता वाले व्यक्ति होते हैं इनमें स्व का उपयुक्त ज्ञान होता है। स्थिरता वाले व्यक्तियों में उपयुक्त शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, और ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी यह मान्य ढंग से करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, साथी समूह और जो मित्र मंडली है इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी क्षमता रखते हैं। स्थिरता जो जिनमें पाई जाती है, यानी स्थिरता छोर पर पाए जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन के उद्देश्य भी काल्पनिक न होकर वास्तविक होते हैं, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता रखते हैं। इस तरह से जो व्यक्ति होते हैं इनके जीवन में स्थायित्व और संगति पाई जाती है, जबकि इस आयाम के दूसरे छोर पर जो व्यक्ति स्थित होते हैं उनमें अस्थिरता की विशेषता पाई जाती है। आइजेंक ने यह कहा है कि ऐसे व्यक्ति संवेदनशील, बेचैन,
आक्रामक, जल्दी उद्दीप्त होने वाले, परिवर्तनशील, आवेगी और क्रियाशील प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से अस्थिरता व्यक्तित्व वाले लोगों का व्यवहार मूडी, उत्सुकतापूर्ण, दृढ़ और असामाजिक प्रकार का होता है। जो अस्थिर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इनकी जो मानसिक योग्यताएं सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम होती हैं। यह प्रसन्नचित्त नहीं रहते हैं, इनमें अप्रसन्नता दिखाई देती है, इनमें चिंता, तनाव, अंतर्द्वंद और निराशा जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। और यह व्यक्ति क्रियाकलापों में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम कुशल होते हैं। आइजेंक ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका स्वतंत्र नाड़ी संस्थान अधिक रिएक्ट करने वाला होता है, यानी जो जिनका स्वतंत्र नाड़ी संस्थान अधिक प्रतिक्रिया करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति जो है वातावरण के उत्तेजनाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाएं करते हैं और इस प्रकार के लोगों में मनस्ताप रोग के होने की संभावना अधिक हो जाती है। इनमें फोबिया, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव यानी चिंता, मनस्ताप, मनोग्रस्तता, बाध्यता, अकारण भय आदि प्रकार के रोग दिखाई देते हैं।